नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पाम का एनालिसिस करेंगे। इस पाम में क्या खासियतें हैं? सबसे पहले नज़र जाती है अंगूठे पे। जब इस तरह का अंगूठा, स्ट्रांग अंगूठा किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है। ऐसे व्यक्ति किसी के सामने झुकते नहीं, लोगों को झुकाते हैं। इनसे आप 10 रुपया भी बाप बनकर नहीं ले सकते, बेटा बनकर आप 1,00,000 रुपया भी इनसे ले सकते हो। ऐसी पर्सनालिटी इनकी रहती है। प्लस अंगूठे का फर्स्ट फोर काफ़ी नुकीला है, तो अपने ध्येय के पीछे लगकर काम करने वाले व्यक्ति का इस तरह का अंगूठा होता है। और इनकी जो फर्स्ट फैलेंज है उंगली की, वो भी काफ़ी बड़ी है, तो ये ऐसे व्यक्ति एनालिटिक भी होते हैं। इनका पाम भी चौड़ा है, प्लस थोड़ा सा चौड़ा ही कह सकते हैं, तो मेहनती भी, ऐसे बहुत चौड़ा भी नहीं है तो मध्यम मेहनती ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं। फर्स्ट फैलेंज तक के ऊपर तक जा रही है उंगली, तो ये भी अच्छी साइन है। डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, चीज़ों को संभाल कर रखना, ये सब ऐसे व्यक्तियों में अच्छी खासी होशियारी रहती है। प्लस इनका ये जो पाम पर इंद्रधनुष टाइप की जो आकृति बनती है उंगलियों के पोरों से, फर्स्ट पोरों से, तो ये भी अपॉर्चुनिटियों को ऐसा व्यक्ति आसानी से ग्रैब करके जीवन में आगे बढ़ता है। अब चलते हैं इनकी इनके ग्रहों की ओर। इनके बुध पर्वत काफ़ी अच्छा उभरा हुआ है, तो ऐसे लोगों में दिखने में सुंदरता रहती है ऐसे व्यक्ति, और बोलने में भी अच्छी खासी कला रखते हैं। और एक लाइन बुध पर्वत से ऊपर जाते यहाँ दिख रही है, तो हो सकता है इनका कोई ना कोई साइंस या टेक्नोलॉजी से संबंध रहा हो। हमें पता नहीं रहता व्यक्ति कौन सी फील्ड से है, हमको लाइनें देखकर उसके बारे में जजमेंट लगाना रहता है। अब इनके पाम पर दो बढ़िया चिन्ह बन रहे, एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। जब व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर अगर एक छोटा सा भी ट्रायंगल है, तो जीवन में व्यक्ति के हर इच्छाएं, बहुत छोटे उम्र के लोग पूछते हमारी तो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, बहुत बाकी है। भाई, तो आप लोगों की उम्र भी छोटी रहती है, पर ये ट्रायंगल जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति की हर इच्छाएं पूरी करता है। और एक स्क्वायर भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। जब इस तरह का स्क्वायर व्यक्ति के जीवन में होता है, तो कुछ ना कुछ उसका कार्य क्षेत्र रहता है, वो मल्टी सिटी होता है। जितना बड़ा स्क्वायर उतना बड़ा कार्य क्षेत्र होता है, अगर छोटा है तो छोटा कार्य क्षेत्र होता है, पर मल्टी सिटी कार्य क्षेत्र तो उसके जीवन में रहता ही है। एक साइन इनके पाम पर ये हृदय रेखा को मिला के उल्टा स्क्वायर जब बनता है, तो व्यक्ति एक से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ उसके जीवन में खरीदता है, या खरीदता भी है साथ में उसको पुश्तैनी भी प्राप्त होती है, तो ये प्लस पॉइंट है इनके पाम पर। अब चलते हैं और इनके लेफ्ट हैंड पर बहुत बड़ी सूर्य रेखा है, तो ये भी बहुत प्लस पॉइंट है। राइट हैंड पर तो नहीं है, पर लेफ्ट हैंड पर बहुत बड़ी सूर्य रेखा है, तो इनकी यश कीर्ति अच्छी खासी होगी, ये वो पाम से दिख रहा है। और वो अच्छा खासा धन भी दिलाती है, शुरुआती स्टेज संघर्ष कराती है, पर उसके बाद अच्छा खासा धन दिलाती है। अब चलते इनके शनि पर्वत पर। शनि पर्वत पर एक बढ़िया सी शनि रेखा जा रही है, फेट लाइन जा रही है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह की रेखा होती है, तो व्यक्ति अगर स्ट्रांग है तो ज़्यादा खर्च करता है सामाजिक जीवन में, सामाजिक कार्यों में, पर अगर इतनी पतली भी है तो भी कुछ ना कुछ उसका योगदान, चाहे धर्म के प्रति हो या चाहे सामाजिक जीवन हो या NGO में खर्च करे, व्यक्ति खर्च अवश्य करता है ऐसी रेखा वाला व्यक्ति। और
ऐसे लोगों का बुढ़ापा भी काफी सुंदर जाता आर्थिक रूप से, और इनके बच्चे भी अच्छा खासा अर्न करते हैं। तो ये सब प्लस पॉइंट ये रेखा दिलाती है। ये व्यक्ति के हाथ में हो तो जब किसी का बुढ़ापा सुधरा तो जवानी कितनी भी तकलीफ में गई हो कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि उस समय ताकत होती है और बुढ़ापे में ताकत कम होती है। तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है। अब चलते इनके गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत ज़्यादा उभरा हुआ तो नहीं है और ज़्यादा स्पेस भी उसको मिला हुआ नहीं है, पर एक पॉजिटिव साइन इस पर, एक छोटी सी पॉजिटिव साइन यहाँ पर दिख रही है। जब इस तरह की साइन व्यक्ति के स्क्वायर होता है, अगर बीच में हो तो ज़्यादा अच्छा, पर साइड में भी हो तो उसके फल तो मिलते ही है। 32 साल के पहले खुद का घर, बोलने की कला में माहिर, कितनी भी गरीब परिस्थिति में व्यक्ति पैदा हुआ हो धीरे धीरे समृद्धि पाता ही है। प्लस 36 साल के बाद अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। ये सब स्क्वायर इतने सारे गुण देता है। और इस पाम पर एक बढ़िया सा क्रॉस भी बना हुआ है। जब इस तरह का क्रॉस किसी के पाम पर गुरु पर्वत पर हो तो ऐसे व्यक्तियों का सांसारिक जीवन, जो पति पत्नी का जो बाउंडिंग है वो बहुत अच्छा जीवन में रहता है। ये लोग आंखों की भाषा से एक दूसरों की भाषा समझ लेते, पति पत्नी, इतना अच्छा बॉन्डिंग होता है। तो ये प्लस पॉइंट है। हाँ, ये एक माइनस पॉइंट देता है, बार बार सर दर्द रहता है जीवन में। बहुत से लोगों को मैंने दर्द निवारक दवा भी जेब में रखते ऐसे लोगों को देखा है। पर अगर घर में शांति है तो ईश्वर बैलेंस करता ही है आखिर। तो उस तरह का जब घर में सर दर्द नहीं होता तो ईश्वर इस तरह से सर दर्द देता है और बैलेंस करता है। ये मैं मजाक में बोल रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लेना। अब चलते इनके अंदरूनी मंगल। इतना साफ अंदरूनी मंगल, एक स्पोर्ट्स टाइप की व्यक्तित्व रहता है वैसे व्यक्तियों के हाथ में पाया जाता है। ये लोग शरीर से काफ़ी मजबूत, अंदर से भी काफ़ी मजबूत व्यक्तित्व रहता है। इनको हिला पाना बहुत हार्ड होता है। तो ये बहुत स्ट्रांग साइन है। और ऐसे लोग बचपन में बहुत खेलकूद किए रहते हैं और पर जैसे ही जीवन की आपाधापी में जब घुस जाते हैं तो इनसे फिर धीरे धीरे स्पोर्ट्स छूट जाता है और जीवन कमाने की ओर अग्रसर रहता है। पर ये इतना साफ मंगल बहुत रेयर साइन है। ज़्यादातर खिलाड़ी किस्म के लोग जो रहते हैं उनके हाथ पे इस तरह का मंगल होता है। इनका बाहरी मंगल भी काफ़ी साफ सुथरा और क्लीन एंड नीट। तो ये इनका व्यक्तित्व, अंगूठा और मंगल देखकर लगता है ये काफ़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी वाले व्यक्तित्व होंगे ये। अब चलते इनके चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत भी एकदम क्लीन। जब इस तरह का चंद्र पर्वत इतना क्लीन अगर किसी के हाथ पर हो तो वो व्यक्ति काफ़ी पॉजिटिव सोच वाला होता है। इतना अच्छा अच्छा सोचता है, उसके पास अगर बैठो तो इतना अच्छा ज्ञान मिलता है जो आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छा होता है जब मंगल अपना चंद्र इतना साफ होता है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है इनके पाम पर। अब इनका शुक्र भी काफ़ी बढ़िया, न ज़्यादा स्पेस लिया हुआ न कमज़ोर, पर ये अंगूठे वाला जो पार्ट है वो काफ़ी चौड़ा है। शुक्र मध्यम है तो ये मध्यम लग्जरी के, यानी इनको लग्जरी ज़्यादा पसंद होगी नहीं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है अगर घर में एसी है भी तो लोग बाहर सोते हैं, इस तरह का मानसिकता उनकी। पर इनका इतना भी दबा हुआ शुक्र नहीं है, काफ़ी अच्छा है, यानी ये लक्षण इतने नहीं होंगे इनमें। पर ये अंगूठा जब इस तरह का यहाँ से मोटाई लेके रहता है तो व्यक्ति अपने हितों के लिए लड़ने वाला होता है। वो किसी भी रूप से
हितों को छोड़कर कभी बात नहीं करेगा। तो ये एक और प्लस पॉइंट है। अब चलते इनकी हार्टलाइन को देखते। हार्टलाइन काफ़ी गुरु पर्वत से शुरू हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति एकदम भरोसे लायक होते। प्लस जब कौ लेती है तो ऐसे व्यक्ति में भावना भी अच्छी खासी होती है, और इनकी हार्टलाइन काफ़ी क्लीन है, कहीं पर भी कोई ऐसे लक्षण नहीं दिख रहे जो बीमारी टाइप के लगे। यानी ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे तक, मरने तक अच्छे खासे स्वस्थ रहते हैं। हार्ट से रिलेटेड रोग इनको छूते भी नहीं। और जब कौ लेती है और गुरु पर्वत से जब शुरू होती है तो व्यक्ति की सोच काफ़ी पॉजिटिव होती है। व्यक्ति की अब 10 रुपया भी अगर किसी का बाकी होगा तो याद कर कर ऐसे लोग देकर आते हैं। इतनी पॉजिटिव सोच इनकी होती है ऐसी हार्टलाइन वालों की। अब इनकी माइंड लाइन, इनकी माइंड लाइन यहाँ तक तो जीवन रेखा के साथ चल रही है। यानी उम्र 35 तक तो ये परिवार के निर्णयों पर ही चले होंगे, पर उसके बाद खुद के निर्णय लेने शुरू किए होंगे, पर उस माइंड लाइन पर काफ़ी दबाव दिख रहा है। उम्र लगभग 22 से लेके 32 तक का पीरियड इनका संघर्षमय रहा होगा, ऐसा यहाँ से दिख रहा है। पर उसके बाद इनकी माइंड लाइन काफ़ी स्ट्रेट चल रही है, और पर है छोटी, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति बुद्धिशाली नहीं होता, पर ऐसे व्यक्ति जरा सा प्रेशर आता है तो विस्फोटक हो जाते हैं। ये एक माइनस पॉइंट इनमें रहता है। एक सर्टन दबाव ही झेल पाते जीवन में, उसके बाद ये लोग विस्फोटक हो जाते हैं। ये एक माइनस पॉइंट रहता है। अब इनकी जीवन रेखा को देखते हैं। जीवन रेखा यहाँ तक थोड़ी सी वेवी, तो ये जनरली देखा गया है हर एक के बचपन में संघर्ष रहता ही है और वो संघर्षपूर्ण जीवन जीता है। पर उसके बाद ये जीवन रेखा इस तरह से चली और यहाँ से एक बदलाव आया और आगे बढ़ते बढ़ते और काफ़ी साफ सुथरी कोई राहु रेखा इस जीवन रेखा को काट नहीं रही है, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। इस पीरियड में भी थोड़ा सा संघर्ष दिख रहा है। जब रेखा थोड़ी सी अंदर रही तो व्यक्ति संघर्ष तो उसके जीवन में थोड़े कुछ अंशों में रहता ही है। यानी उम्र लगभग 38-40 तक इनका संघर्ष चला होगा, उसके बाद धीरे धीरे ये एकदम फ्री हुए होंगे और इनकी जीवन रेखा एकदम स्मूथ। यानी इनकी हार्ट लाइन, इनकी माइंड लाइन और जीवन रेखा देखकर लगते हैं कि ये व्यक्ति एकदम स्वस्थ होंगे, और इनका मंगल देखकर लगता है कि रियल में ये स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ही होंगे। इनका पाम देखकर ये महसूस हो रहा है। अब इनकी जीवन अपनी धन रेखा को देखते हैं। एक छोटा सा मनी ट्रायंगल बन रहा है, पर मनी ट्रायंगल अगर किसी व्यक्ति में होता है तो धन संग्रह तो उसके जीवन में होता ही है, पर ये छोटा है, हो सकता है कहीं से ओपन हो तो इनके पास बचत कम हुई हो, क्योंकि फोटोग्राफ में क्लियर दिख नहीं रहा है, पर मनी ट्रायंगल है। यानी इनके पास आवक के स्रोत बने ही होंगे और धन आया ही होगा। अब इनकी धन रेखा दो तरह की है, एक जीवन रेखा से निकल रही है और ये ऊपर जा रही है, और एक रेखा चंद्र से निकलकर इस तरह से आगे बढ़ रही है और ये इस तरह से। इसका मतलब ये होता है जब डबल आपकी धन रेखा है यानी फेट लाइन है, तो आप बेसिक सफलता तो आपको मिली है। यानी आप आम लोगों से तो अच्छा जीवन जीते ही हो, और इनकी हार्ट लाइन, जीवन रेखा, माइंड लाइन क्लीन है। यानी इनके पास धन के आने के स्रोत तो अच्छे खासे बने ही है, प्लस मल्टीपल इनकम भी इनके पास रही होगी। उम्र 35-36 के बाद या 37 के बाद इनकम के डबल स्रोत इनके पास बने होंगे। बहुत बार तो कहीं से 3 जगह से भी इनके पास पैसे आए होंगे। यानी ओवरऑल इनकम जनरेट करने के मामले में नॉन स्टॉप इनके पास इनकम आई होगी, भले कम या ज़्यादा।
पर इनकम के स्रोत इनके पास कंप्लीट बने होंगे, और उम्र 37-38 के बाद काफ़ी लाइन स्ट्रांग हो रही है और ये ऊपर जा रही है। और यहाँ पर भी उम्र 45 के बाद इस व्यवसाय में भी लाइन स्ट्रांग हो रही है और ऊपर जा रही है। बीच बीच में थोड़ी सी रेखाएं, राहु रेखाएं काट रही है। उम्र 38 में कुछ ना कुछ नुकसान इनको हुआ होगा इस फेट लाइन के कारण। उम्र 37 में यहाँ पर कुछ खर्चा आया होगा, 44-43 के आसपास इस तरह के छोटे मोटे खर्चे जीवन में आए होंगे। और ये उम्र 48 के आसपास कुछ परिवार के लिए उन्होंने एक्सपेंस किया होगा। ओवरऑल देखा जाए तो नॉन स्टॉप चलने वाली जीवन इनका रहा होगा और स्टेप बाय स्टेप सफलता इन्होंने प्राप्त की होगी। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल चुके होंगे। और आप लोगों को मेरी एक नम्र निवेदन है, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो कम से कम कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिए भाई, आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।